उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज 1 मार्च को महाराजगंज दौरा है। दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर, वहीं यहां करीब 300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। फरिंदा के जयपुरिया इंटर कॉलेज के मैदान में करीब 20,000 लोगों की जनसभा को उप मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। चंदौली में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव पलटने की वजह से करीब आधा दर्जन लोग लापता हो गए। दीना थाना क्षेत्र के महुची गांव के पास ये हादसा हुआ, जहां गाजीपुर की तरफ से नाव में सवार होकर चंदौली के महुजी गांव की तरफ लोग आ रहे थे। रेस्क्यू के लिए वाराणसी से एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया है, तो वहीं मौके पर कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया है। सीएम योगी ने मंडला आयुक्त, वाराणसी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक चंदौली को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर जिले के चंपा देवी पार्क में लाखों लोगों ने सतपाल महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। यही नहीं, प्रवचन सुनने आई भक्त महिलाओं ने भजन पर खूब झूमा। तो वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि गोरखनाथ की योग स्थली पर आज ये कार्यक्रम बड़ा ही सौभाग्य से हो रहा है। लोग दूर दराज से प्रवचन के सुनने आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भजन पर महिलाएं झूम रही हैं। सीतापुर रामपुर में बेटे और पति के साथ सीतापुर जेल में बंद चल रहे सपा सांसद आजम खान, शनिवार को कानपुर रामपुर कोर्ट लाया गया। कोर्ट में आजम की पेशी की सूचना पर सपाइयों की काफी भीड़ जुटी। आजम खान को सीतापुर जेल से रामपुर कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। कोर्ट में पेश होने के बाद आजम खान और उनके परिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल पहुंचाया गया। 17 मार्च तक आजम खान पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे के साथ जेल में ही रहेंगे। रामपुर कोर्ट में आजम ने बकरी और बहस चोरी समेत 47 मामलों में सरेंडर की एप्लीकेशन दायर की थी, जिन पर एडीजे 6 की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट होने के आरोप में दर्ज मुकदमों पर भी सुनवाई हुई। इस मामले में आजम खान ने आज कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया। अलग अलग मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने 16 और 17 मार्च की तारीख तय की है। सीतापुर जेल से निकलते वक्त आजम ने चलती गाड़ी से ही मीडिया से बात करने की कोशिश की। आजम खान ने कहा कि जेल प्रशासन मेरे साथ आतंकियों जैसा बर्ताव कर रहा है। आजम खान उनकी पत्नी और बेटे को रामपुर जेल से सीतापुर जेल भेज देने को लेकर रामपुर के एडीजे 6 की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर जेल के जेलर को फटकार लगाई थी और आजम खान और उनके परिवार को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। लखीमपुर पहुंचे यूपी परिवहन मंत्री अशोक कटारे ने कहा है कि आजम खान के मामले में कानून अपना काम कर रही है। आजम खान क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन कानून का अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान के खिलाफ जितने भी रिपोर्ट दर्ज की गई वो आजम खान के इलाके के रहने वाले लोगों ने ही दर्ज कराई है। आजम खान को जवाब उन्हीं लोगों को देना है जिनकी जमीनों पर उन्होंने कब्जा किया है। लखनऊ में डीसीपी नॉर्थ सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने इंदिरा नगर, गाजीपुर समेत नॉर्थ के कई थानों का औचक निरीक्षण किया और सभी इंस्पेक्टर दारोगाओं के साथ बैठक की। बैठक में बेहतर पुलिसिंग क्राइम कंट्रोल पर चर्चा की गई, तो बैठक के बाद डीसीपी नॉर्थ सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने पैदल गश्त कर क्षेत्र का जायजा लिया। डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के साथ एसीपी गाजीपुर अमित राय भी मौजूद थे। हरदोई के शाहबाद से 10वीं के छात्र अंकुर यादव का अपहरण कर अपहरणकर्ता लखनऊ लेकर आए थे, जहां बदमाशों के चंगुल से छूटकर छात्र अंकुर यादव केसरबाग थाने पहुंचा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंकुर के परिजनों को बुलाकर उसे उनके हवाले कर दिया। दरअसल अंकुर यादव परीक्षा देकर घर लौट रहा था, इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और फिरौती के लिए उसके परिजनों को फोन किया था। परिजनों की शिकायत पुलिस आरोपियों की तलाश में सरगर्मी से जुटी थी। बलरामपुर में सदर विधायक पलटूराम और तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें जिले के कई क्षेत्रों से आए 112 युवाओं का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 105 करोड़ जोड़ों का विवाह हिंदू रीति और मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़ों का निकाह कराया गया। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की योजना भी अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़ती आ रही है। अधिकारी संख्या बढ़ाकर गोलमाल
करने के लिए अगले कुछ महीनों में शादी करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। बदायूं थाना क्षेत्र के दादागंज से बरेली जाने वाले मार्ग पर ग्राम बटोली के पास बाइक से जा रहे गल्ला व्यापारी श्री ओम शर्मा नरेंद्र कुमार से सरे बाजार में एक बाइक से आए तीन युवकों ने असला दिखाकर बैग में रखे 90,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और काफी खोजबीन, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। तो वहीं इस लूट की घटना से व्यापारियों में रोष है। घटना की जानकारी होते ही एसपी सिटी सर्वप्रथम मौके पर पहुंचे, खोजबीन की। इसके बाद बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। राजधानी लखनऊ में प्रशासन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत मेगा शिविर का आयोजन माहौललालगंज के बक्कास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने की। और इस शिविर में गांव के कई लोगों को जिलाधिकारी की तरफ से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। इस मेगा शिविर में 600 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। शिविर में 200 से ज्यादा लोगों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया और 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बहराइच में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बराती और घराती में जमकर बवाल हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खैरीघाट थाने के मटेरा कला गांव से आई थी राम गांव के बहनन पुरवा में बारात। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नरेंद्र मिश्र ने सुबह हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। मिश्रा के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी जिलाधिकारी अनुज झा भी मौजूद थे। इससे पहले नृपेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी राम मंदिर निर्माण को लेकर मुलाकात की थी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण के बाद अब भव्य राम मंदिर को बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने शनिवार को रामलला के दर्शन किए और पूरे मंदिर परिसर का जायजा लिया। निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नृपेंद्र मिश्र की यह पहली अयोध्या यात्रा है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के अयोध्या पहुंचने के साथ मंदिर निर्माण को लेकर सरगर्मी शुरू हो गई है। सदस्यों के साथ मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष 2 घंटे तक मंदिर परिसर में रहकर हिंदुओं पर विचार विमर्श किया। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि अभी मंदिर निर्माण के लिए चरण तय किए जा रहे हैं, होमवर्क किया जा रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में पूरी व्यवस्था को लेकर मंथन हो रहा है, जिसमें रामलला को फाइबर के मंदिर में शिफ्ट करने को लेकर प्राथमिकता है। इसे लेकर स्थान सुरक्षा और दर्शन के मार्ग आदि को लेकर अंतिम रूप देना शामिल है। उन्नाव रेप कांड में पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित हत्या मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने शनिवार को फैसला टाल दिया है। अब कोर्ट 4 मार्च को फैसला सुना सकता है। रेप पीड़िता के पिता की हत्या का आरोप बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर है और इस मामले में कुलदीप समेत कुल 10 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे कथित देश विरोधी नारों के मामले में स्पेशल सेल को मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने यह मंजूरी दी है, जिसके बाद अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर आज 2 का केस चलाया जाएगा। इस मामले में स्पेशल सेल को मुकदमा चलाए जाने को लेकर मंजूरी देने की फाइल काफी वक्त से लटकी हुई थी। अब दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद कन्हैया कुमार पर आज 2 की धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में दिल्ली सरकार ने उमर खालिद, अनिर्वान आकिब हुसैन, मुजीब उमर गुल, बशरत अली और खालिद बसीत पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिबरल और लेफ्ट दलों के लोगों पर जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं अपने उदारवादी वामपंथी मित्रों से कहना चाहता हूं कि हमें सरकार हराकर आप अपनी सरकार बना लें। आप हमें उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार ना सिखाएं। क्या आपने कभी आतंकवाद और हिंसा पीड़ितों के मानवाधिकारों के बारे में बात की है? कभी नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कागज दिखाने को लेकर भी लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई कागज नहीं दिखाएंगे, ये ठीक है। यही लोग दस्तावेज मांग रहे थे कि अयोध्या में रामलला पैदा हुए थे। इस तथ्य के इन लोगों ने भुला दिया कि दुनिया हजारों साल से मान रही है, ये दोहराव पाखंड और बौद्धिक बेईमानी है।
राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से राजधर्म पालन करने की अपील की थी। राजधर्म पर एक बार फिर सियासत पड़ गई है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी राजधर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम ना करे। केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आने के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक ट्वीट किया। कानून मंत्री कांग्रेस से कहते हैं कि प्लीज हमें राजधर्म ना सिखाए, हम कैसे आपको सिखा सकते हैं। मंत्री महोदय, जब आपने गुजरात में वाजपेयी जी की नसीहत नहीं सुनी, आप हमें क्यों सुनेंगे। सुनना, सीखना और राजधर्म का पालन करना आपके मजबूत बिंदुओं में से एक नहीं है। उत्तराखंड में यातायात नियम तोड़ने वालों के घर सीधे चालान भेजने की व्यवस्था पुलिस ने कर ली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज यातायात सुरक्षा को देखते हुए ई चालान व्यवस्था की शुरुआत की। सीएम ने यातायात को लेकर पुलिस लाइन में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने नए इंटरसेप्टर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 20 और वाहन यातायात पुलिस को खरीदने की मंजूरी दी गई। सीएम ने पुलिस को दबाव में काम न करने की सलाह देते हुए अभिभावकों से भी बच्चों को वाहन न देने की अपील की। उत्तराखंड सरकार में खाली पड़े दायित्व 15 सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी रहे शादाब शम्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शम्स ने कार्यभार ग्रहण करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से सभी वर्ग के लोगों का साथ और विकास की बात कही जा रही है, वही मेरा भी कार्य होगा कि सभी लोगों के लिए विकास के लिए काम करूं। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बलरामपुर रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। तो वहीं बैठक के बाद एमपीपी इंटर कॉलेज में बने यूपी बोर्ड कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। लेह लद्दाख में 15 अगस्त से 111 किलोमीटर दौड़ होने जा रही, जिसमें देहरादून की बेटी और वर्तमान में सहारनपुर में मेजर शशि मेहता भी हिस्सा लेना चाहती हैं, लेकिन उनके घर की स्थिति ठीक न होने के चलते उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनका सहयोग करेगी तो वो भी दौड़ में हिस्सा ले सकेंगी। मेजर शशि मेहता एक एनसीसी अधिकारी है, जो इससे पहले भी देहरादून से धनौल्टी तक 47 किलोमीटर दौड़ लगा चुके हैं, जिसे उन्होंने मात्र 10 घंटे 44 मिनट में पूरा किया था। फरुखाबाद में मंडी समिति निदेशक जितेंद्र प्रसाद ने कमालगंज कृषि उत्पादन मंडी समिति में 1,44,00,000 की लागत से चल रहे सुंदरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। जितेंद्र प्रसाद ने मंडी परिसर में गंदगी और अतिक्रमण देख नाराजगी व्यक्त की और जेसीबी से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। तो वहीं गल्ला आड़त पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जगह देशी कांटा लगाकर देख मंडी निदेशक ने सचिव की क्लास लगा दी। गोरखपुर मंडल के कमिश्नर और महाराजगंज के नोडल अधिकारी जयंत नरलीकर ने परिंदा ब्लॉक के बनटांगिया ग्राम सुरपार नर्सरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, तो साथ ही उन्होंने सरकार की योजनाओं की हकीकत भी जानी। इस दौरान कमिश्नर ने ग्रामीणों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए जिले के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में झोलाछाप डॉक्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है। झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा अपने हाथ में ले रखा है, इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। उत्तराखंड में गरीब परिवार के बच्चों की मुफ्त पढ़ाई को लेकर राज्य सरकार ने बकाया राशि के भुगतान पर पहल की है और इसके लिए राज्य सरकार ने आरटीई बकाया भुगतान के लिए 107 करोड़ की धनराशि की मंजूरी दे दी है। राज्य में पिछले लंबे वक्त से शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा था। निजी स्कूलों के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने स्कूलों को धनराशि प्रदान की है। डोईवाला में किसान गन्ने के बकाया भुगतान के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में किसानों का कहना है कि बकाया भुगतान को लेकर सरकार हर बार किसानों को गुमराह कर एक नई तारीख देने का काम कर रही है, जिससे नाराज किसानों ने डोईवाला मिल गेट पर धरना देकर सरकार से गन्ने का बकाया भुगतान करने की मांग की है। तो साथ ही किसानों ने कहा है कि होली का त्यौहार आ रहा है और आज भी किसानों का 10,72,00,000 रुपए गन्ने का बकाया भुगतान बाकी है, जिससे किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस बार सरकार उनका बकाया भुगतान नहीं करती तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
सरकार ने सिंगल यूज पॉलिथिन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, लेकिन इन सभी के बावजूद लोग सिंगल यूज पॉलिथिन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। सुल्तानपुर में प्रशासन ने 2 ट्रक पॉलिथिन जब्त किए हैं, तो दरअसल नगरपालिका प्रशासन को सफाई कर्मियों ने इसकी सूचना दी। जानकारी मिलने पर जब मौके पर नगरपालिका प्रशासन पहुंची तो मौके से ट्रांसपोर्ट का मालिक और अन्य कर्मचारी फरार हो गए। हमीरपुर खनन घोटाला मामले में सीबीआई की जांच पूरी हो गई है। अंतिम दौर में खनन घोटाले की जांच पूरी होने के 5 दिन बाद सीबीआई की टीम दिल्ली वापस लौट गई। सीबीआई इस केस में 14 पट्टों को आधार बना रही है। जल्द ही इस केस में बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। सोनभद्र में खदान में अवैध खनन कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। ये मामला ओबरा थाना इलाके के शारदा मंदिर के पास अवैध पत्थर खनन का है, जहां खदान में खनन के लिए कंप्रेसर मशीन से ड्रिल कर विस्फोटक भरने का होल किया जा रहा था, तभी कंपन से पत्थर का टीला वहां पर काम कर रहे मजदूरों के ऊपर गिर गया। सूचना मिलने पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है, तो वहीं 2 मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब भी खदान में कम से कम 6 से 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं स्थानीय लोगों में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जबरदस्त आक्रोश बना हुआ है। दिल्ली हिंसा में उत्तराखंड के युवक की मौत हो गई। पौड़ी जिले के चौकीसैर क्षेत्र का एक नौजवान दिल्ली हिंसा में मारा गया। दलवीर सिंह के परिजनों का रोलो कर बुरा हाल है। दिल्ली के शाहदरा में दलवीर सिंह के साथ दंगाइयों ने बर्बरता की। जिस दुकान में वो काम कर रहा था उसमें आग लगा दी गई। दलवीर की हत्या से पूरे गाँव में मातम पसर गया है। दिल्ली में हुई हिंसा की भेंट हापुड़ का रहने वाला एक युवक चढ़ गया। दिल्ली हिंसा में सुलेमान की जान चली गई। सुलेमान की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। दरअसल सुलेमान थाना बाबूगढ़ के गांव भीकनपुर का रहने वाला था, जो दिल्ली के करावल नगर में राजमिस्त्री के साथ लोहे का जाल बांधने का काम करता था। 26 फरवरी की सुबह सुलेमान लेंटर पर लगाने का काम कर रहा था, तभी सुलेमान भीड़ की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात उसने दम तोड़ दिया। वहीं जिले में भारी पुलिस बल तैनाती के बीच सुलेमान का अंतिम संस्कार किया गया। मेरठ में युवक को लड़की छेड़ना भारी पड़ गया। छात्रा की बहन ने युवक के बीच सड़क जमकर धुनाई कर दी। दरअसल दोनों बहनें पेपर देकर वापस लौट रही थी, इसी दौरान एक मनचले ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद छात्रा की बहन ने मनचले की जमकर पिटाई की। मेरठ के मेडिकल थाना इलाके में एक भाई ने अपनी बहन की गला देखकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। नगमका गांव के ही रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे उसका भाई वसीम नाराज रहता था। आए दिन घर में झगड़ा होता था, इसी बात से नाराज वसीम ने अपनी बहन नगमका आज गला देखकर हत्या कर दी। हत्यारे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में 2 चोरों की चोरी करना भारी पड़ गया। दरअसल नौबस्ता थाना क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी में चोर 50 किलो तिल चोरी कर चुराकर भाग रहा था, तो वहीं व्यापारियों को भनक लगने पर चोरों को पकड़कर बंधक बना लिया गया। यही नहीं, चोरों को रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई भी की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद भी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सेक्टर 5 में देर शाम हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को उस वक्त गोली मार दी जब युवक एक शादी में आया हुआ था। ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक को 3 गोलियां लगी हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द मामले का खुलासा कर देगी। आगरा के कागारोल थाना क्षेत्र में देर रात एक महिला की गोली लगने से हड़कंप मच गया। गोली लगने से घर में चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि महिला को गोली कैसे लगी है। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के युवती का अजला शव मिला है। युवती की हत्या के बाद उसके शव को जलाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं बदायूं में घटना घटी, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही महिला ने खुदकुशी की वजह से किसी इसकी वजह पुलिस ने शुरू कर दी है।
बागपत में कृषि विभाग अब चूहों पर नजर रखेगा और उनको मारने का काम करेगा। कृषि विभाग ने खेतों और रिहायशी इलाकों में हो रहे चूहों के आतंक से छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी ली है। इसके लिए बाकायदा कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। अधिकारियों की माने तो चूहे फसलें बर्बाद तो करते ही हैं, बल्कि भंडारण की कई वस्तुओं को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में भी ये चूहे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिसके लिए अब कृषि विभाग ने पकड़ने और मारने की तैयारी कर ली है। मिर्जापुर में पहली ई रिक्शा में महिला चालक प्रज्ञा लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण और दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के साथ अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रही हैं। स्कूली बच्चों और महिलाएं उन्हें देखकर प्रेरित हो रही हैं। सड़क पर पहली बार किसी महिला को ई रिक्शा चालक की सीट पर बैठा देख उन्हें गर्व महसूस होता है। खटीमा के हेमवती नंदन बहुगुड़ा राजकीय डिग्री कॉलेज में हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। नानक मत्ता से विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा और प्रिंसिपल आरसी पुरोहित ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। बता दें कि इस साल कॉलेज में करीब 25 एथलेट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दौड़, भाला फेंक, गोला कबड्डी समेत कई प्रतियोगिताएं शामिल हैं। प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। मंत्री हरक सिंह रावत अपने डांस को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार श्रीनगर में सरस मेले के दौरान उनका डांस अवतार नजर आया। उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। श्रीनगर में आयोजित सरस मेले के दौरान लोक गायिका ने जब स्वर्गीय पप्पू कार्की का लोकगीत फवा बागारे गाया तो हरक सिंह रावत खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर ही थिरकने लगे। स्टेज पर वन मंत्री को गाने पर नाचता देख दर्शकों में भी उत्साह हो गया। होली सेलिब्रेशन के लिए दुनिया में एक मशहूर कान्हा की नगरी मथुरा अभी से होली के रंगों में रंग चुकी है। हर साल की तरह यहां होली के हुड़दंग में शामिल होने के लिए देश दुनिया से टूरिस्ट पहुंच चुके हैं। ब्रज में 27 फरवरी को रमण रेती आश्रम में टेसु के फूलों की होली खेली गई और अब 3 मार्च को नंदगांव में फाग आमंत्रण उत्सव होगा, जिसके बाद राधा रानी के गांव बरसाना में लड्डू मार होली खेली जाएगी। राधा रानी मंदिर में विशेष आयोजन होगा। 10 मार्च को देश भर में होली खेली जाएगी तो वहीं दावर द्वारकाधीश मंदिर में रंगों के साथ साथ टेसु के फूलों से भी होली खेली जाएगी। भारत दौरे पर पहुंचे म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने आज ताज नगरी आगरा में अपनी पत्नी डाउ चोचो के साथ ताजमहल का दीदार किया। बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट ने ताजमहल में करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया और ताज की खूबसूरती को बेमिसाल बताया। साथ ही उन्होंने ताजमहल के सामने अपनी पत्नी के साथ कुछ तस्वीरें भी ली। उन्होंने विजिट बुक में लिखा कि दुनिया का 7वें अजूबे को हम हमेशा याद रखेंगे। अहमदाबाद से जयपुर जा रही गो एयर की फ्लाइट में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब एक कबूतर फ्लाइट में अचानक उड़ने लगा। फ्लाइट में टेक ऑफ के बाद एक कबूतर घुस गया, इधर उधर उड़ने लगा। ये देखकर वहां मौजूद क्रू मेंबर्स और यात्रियों में हलचल मच गई। बाद में फ्लाइट का गेट खोलकर कबूतर को निकाला गया। यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन से पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अब साफ कर दिया है कि अगले एशिया कप टूर्नामेंट का आयोजन दुबई में किया जाएगा और इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें हिस्सा लेंगे। और इससे पहले ही इस टूर्नामेंट की मेजबानी का हक पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन बीसीसीआई ने साफ कर दिया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। इसके बाद ही इस टूर्नामेंट को दुबई में कराने का फैसला लिया गया।